मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। जैसा कि हमने आज प्रातःकाल में ही आपको बताया था कि आज हम बीपीएससी कार्यालय पहुंचेंगे, मुद्दा वही कि एक सीट पर एक अभ्यर्थी, बेरोजगारों के साथ ना खेले बीपीएससी, और इसके लिए हम यहां पहुंचे हैं। आज एक दो दौर की बैठक बातचीत भी आम अभ्यर्थियों से हुई है, पर बीपीएससी कह रही है कि शिक्षा विभाग जाइए, शिक्षा विभाग कह रहे हैं कि बीपीएससी जाइए। अभ्यर्थियों को बैडमिंटन का कर्क बना दिया गया। ऐसे में 38 जिले के बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि ये लड़ाई बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार सीट बर्बाद करना चाहती हो, चाहे कक्षा 1 से 5 हो या 9-10 की हो। आप ये समझिए कि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट कक्षा 1 से 5 में दे दिया गया। अगर 5,000 ऐसे अभ्यर्थियों को, तो जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो तो बेचारे बेमौत मर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ। साथ में जो 11-12 में अभ्यर्थी ऐसे हैं बीपीएससी कार्यालय में, हम जब पहुंचे तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमारी मजबूरी है, अगर वो 9, 10, 11, 12 में नहीं पास होंगे तो 11, 12 में नहीं पास होंगे तो 9, 10 में उनको दिया जाएगा। पर जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें साफ लफ्जों में लिखा गया था कि एक अभ्यर्थी को एक ही रिजल्ट दिया जाएगा, तो ये तो मुद्दा ही नहीं है। 75% सीट की बात सरकार करती है, विभाग करती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा जब 11, 12 में 75% सीट पर बहाली की बात हो रही, तो 9, 10 में आप एक आदमी का 2 रिजल्ट देंगे तो वो 75% सीट कैसे भरेगा। ऐसे में 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों से हम कहेंगे कि अब बैठना नहीं है, आगे बढ़ करके विभाग से लड़ करके हमें अपनी नियुक्ति लेनी है। आप 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थी जाग जाएं, अगर नोटिफिकेशन का पालन नहीं होगा तो कोर्ट केस के माध्यम से हो या जैसे भी हो, हमें ये लेना है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बैठे हैं। तो 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थी एक हो जाएं, शिक्षा सुधार आपके साथ है। और आज जो भी अभ्यर्थी यहाँ हमारे बुलावे पर यहाँ पहुँचे थे उनको दिल से धन्यवाद करूँगा, और आप भी बैठे न रहें, वो चाहे ट्विटर के माध्यम से हो या आवेदन के माध्यम से, वो सचिवालय से हो या बीपीएससी से, पहुँचिए और अपनी मांगों को रखिए। नहीं तो आज अगर आप मांग नहीं रखिएगा तो कल आप पछताइएगा, क्योंकि आपको पता है कि एसटीईटी 2023 में 15 से 20 करीब 3.5 लाख रिजल्ट हुए हैं और हर विषय में 15 से 20 हज़ार अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए हैं। तो ऐसे में तो आपका वहाँ पर कुछ है नहीं, जो है इसी में होना है, इसलिए अब बैठना नहीं है। वेटिंग लिस्ट की बात जो हो रही है, वो चाहे 9-10 हो या 1 से 5, वेटिंग लिस्ट बना करके जो बेरोजगार अभ्यर्थी है उनको लिया जाए और फर्जियों को बाहर किया जाए। बने रहे, जुड़े रहें शिक्षा सुधार के साथ।